Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोनों टीम्स वर्ल्ड क्लास है और आगे चल के बैटिंग फर्स्ट अगर भारत करती है इंग्लैंड करती है तो दूसरे को ये तिगनी का नाश नचवा सकते हैं। बहुत क्वालिटी है, हर में हराना बड़ा मुश्किल काम है। अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो फिर इंग्लैंड को अगला मैच। विराट कोहली का कि उन्होंने एक तूफानी इनिंग्स खेली, इम्प्रोवाइज शानदार किया, आखिरी के ओवर्स में बेइंतहा क्वालिटी दिखाई उन्होंने और प्रेशर को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब किया, मगर अपना स्कोरिंग रेट गिराया नहीं। उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब भी किया मगर फिर भी लगातार अंदाज से वो एग्रेशन दिखाते रहे और बहुत बड़ी इनिंग्स खेली। अभी भी इंडिया में एबिलिटी है कि ये कमबैक कर सकती है और स्पेशली अपनी कंडीशंस में तो इनको इतना सीरीज हराना आसान नहीं होगा। इंग्लैंड ने अगर ये सीरीज जीतनी तो उसको काफी हार्ड वर्क करना पड़ा। मेरे ख्याल में कि जो इंडिया की स्पेशली बैटिंग है कि जी ठीक है अभी इतने ज्यादा क्लिक नहीं किया लेकिन इनके पास T20 के बहुत डेंजरस प्लेयर्स हैं तो अगले जो उनसे दो T20 है वो देखने का अपना मजा आएगा। मेरे ख्याल में इंडिया लाजमी कम बैक करेगा क्योंकि जी एटलीस्ट क्योंकि चौथा मैच अगर इंडिया जीतता है तो पांचवा मैच देखने का बहुत ज्यादा मजा आएगा। रोहित शर्मा राहुल है, राहुल फिर ईशान किशन ने जैसे डेब्यू किया लास्ट मैच में, उनके पास बैट्समैनों की कोई कमी नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। अभी धवन बेंच पे बैठा हुआ पहले मैच के बाद, तो ये चीज सोचने वाली है कि टीम इंडिया चाहे पहले बारी हो स्टार्ट अच्छा देना पड़ा। पॉजिटिव साइन इंडियन टीम के लिए जैसे विराट कोहली ने बैटिंग की है, अपना नंबर नीचे लेके गए, पॉजिटिव मेरे ख्याल से मैसेज गया ड्रेसिंग रूम में कि गिव अप यानी फाइटिंग टोटल करके दी है। उसकी बैटिंग से मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान वो मैच जीत सकता था, आप हमेशा उस जानिब टूट पड़े, आपने यानी उन्होंने आखिर वक्त तक खेला नहीं उस अंदाज से। आगे बेन स्टोक्स दिखते हैं, रोहित शर्मा खेलने का अंदाज उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया मिस्टर, कहते हैं मैं जानता हूं इस अरसे में अच्छी बॉलिंग करते रहे लेकिन उन्होंने जिस तरह बैटिंग की वो अजीब लगा, लफ्ज बेजार इस्तेमाल किया है, द वे दे वेंट अबाउट देयर बैटिंग जस्ट सीम बेजार, अजीबोगरीब अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने अपनी टीम पर प्रेशर बढ़ने दिया और हमारी टीम पर किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ विकेट पर वक्त गुजारा जिससे खेल हमारे हाथों में चलता रहा। भारतीय मीडिया में टिका की तनकीद हुई, एक तूफान आ गया तनकीद का, एक समझ और नहीं बल्कि खुद साई ने इस मैच के दौरान क्या कहा कि आई हैव नो एक्सप्लेनेशन टू दिस, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आई कि ये भारत कर क्या रहा था।